हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हो आप सब ये वाला मेकअप लुक तो आप ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर देख ही चुके हो ये है हल्दी मेकअप लुक एंड आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं कोई भी मेकअप लुक को करने के लिए एंड अगर आप लोगों की तरफ से ना प्यार मिले अच्छा तो फिर अच्छा लगता है दिल खुश हो जाता है और, और मेहनत करने का काम मतलब मन करता है तो मुझे इतने सारे कमेंट्स आए कि दी आपने हल्दी लुक कर लिया ना तो फटाफट से मेहंदी लुक करो ग्रीन आउटफिट के साथ तो कसम लगे मैं सच्ची में मेहंदी वाला आ, मतलब थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन वाला सोच रही हूँ प्लान कर रही हूँ कोई सुंदर सा आ, ग्रीन ज्वेलरी या फिर आ, ग्रीन लहंगे के साथ मैं कुछ मेहंदी लुक क्रिएट करूँ तो किसी ने यह भी लिखा कि दी हमें अच्छी लग रही है आपकी ये वाली वेडिंग सीरीज तो देखते हैं अब ये सीरीज तक मैं इसको लेके जाती हूँ मतलब कैसे करती हूँ देखते हैं मेहंदी हो गया हल्दी हो गया संगीत हो गया देखते हैं क्या क्या करते हैं तो हाँ बस आप लोग ऐसे बस देखते रहना यार और कुछ नहीं तो यहाँ पे मैं अपने नकली बालों में से नकली फूल बाहर निकाल रही थी और कुछ नहीं करते करते सुबह के छः बज गए थे छः साढ़े छः बज गए थे आम, लेट शुरू किया था मैंने मेकअप लुक करना मैंने मेकअप लुक के दो ढाई तीन बजे करना शुरू किया था क्योंकि एक तो मेकअप लुक क्या फिर इतने सारे इंस्टाग्राम की रील्स बनाई बीच में मैं लहंगा वगैरह ट्राई कर रही थी बड़ा टाइट लग रहा था मुझे मेरा लहंगा ब्लाउज बहुत टाइट लग रहा था इतनी मोटी होगी मैं हद दूंगी हो, हो अब थोड़ा सा डाइट के ऊपर यार कंट्रोल करना पड़ेगा दो दिन करती हूँ चौथे दिन फिर से मैं वही गप गप को खाने लग जाती हूँ ओ गॉड यार एनी वेज यार कोई और ट्रिक हो तो बताना यार वेट लॉस करने की मैंने भी करना वेट लॉस तो कुछ नहीं आया यहाँ पे बस अपने मैं ये नकली वाले बाल निकाल रही हूँ कहाँ के बाल अच्छा बाल अभी ऊपर लगे हुए अभी क्लिप खोलूंगी मैं तो ये वाला हेयर स्टाइल यार बस थोड़ा सा ढीला ढाला ही था इतना कोई वो नहीं था एंड बालों में कितना ज़्यादा डिफरेंस लग रहा था ओ अच्छा बहुत लोग पूछ रहे थे दी आपने ये जो बालों में कलर किया वो कौन सा वो गार्नियर का गोल्डन ब्राउन कलर है ठीक है गार्नियर का गोल्डन ब्राउन कलर है तो अब ये जो किसी ने पूछा था कि आप ये जो बाल वगैरह है ना एक्सटेंशन आप सेम कलर के लेते तो डियर हमेशा हमें अपने बाल के रंग का नहीं ना मिलता वहां पे दो ही ऑप्शन होते या तो ब्लैक होता है या फिर थोड़ा सा ब्राउन टोन में होता है ये ब्राउन टोन वाला मैंने लिया हुआ है लेकिन मेरे बाल इतने लाइट शेड के हैं ना कि इसके ऊपर भी डार्क लग रहा था ठीक है एनी अगर आपके लंबे बाल है फिर तो आपको ये सब लगाने की जरूरत ही नहीं है अगर आपको कोई भी इसमें से प्रोडक्ट चाहिए ना गाइस तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपको आ, वो वाली वीडियो देखो ना जाके मेकअप लुक वाली तो आपको वहां पे वो सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे ठीक है इस वीडियो में सिर्फ मैं वही प्रोडक्ट्स के लिंक्स डालूंगी जो मैं यूज करूंगी मेकअप उतारते समय तो थोड़ा सा बस मैं अपना उतार के मेरा मन कर तो मैं ना इंस्टाग्राम रील बनाऊँ ऐसे बाल खोल के बनाई नहीं क्योंकि आरव के पापा के उठने की आवाज आ गई थी छः साढ़े छः बजे ही उनको सुबह जल्दी जाना था मतलब साढ़े सात आठ बजे तक तो उठ के उन्होंने गीजर वगैरह ऑन कर लिया तो मुझे था कि अब मुझे नाश्ता बनाना है तो फिर उस समय जल्दी जल्दी में तो मुझे फिर इंस्टाग्राम रील मैंने बनाई ही नहीं उनको भेजने के बाद फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी घंटे दो घंटे के लिए सो गई थी दोपहर को भी सो गई थी जब मैं ऐसा कोई मेकअप लुक करती हूँ ना रात को जाग के तो इसका मतलब होता है कि अगले दिन मैं आधे अगला सारा दिन ना मैं थोड़ी थोड़ी बीच में सोती रहती हूँ मतलब वेन आई गेट टाइम सो जाओ छोटा छोटा पावर नैप मैं लेती रहती हूँ अगले दिन तो इसलिए कुछ लोग बोलते हैं ना अगले दिन आप सोते कब हो सो जाती तो मेरा में ही जाता है। में ना काम की बात नहीं करती है ना कितनी फालतू तो इधर उधर की बात करती हूँ बट अनरेडी वाली वीडियो होगी या मेकअप वाली वीडियो मेरी अपनी पर्सनल वीडियो होती है तो मैं इसमें ना जो मर बोल देती हूँ बाकी वीडियो अगर ब्रांड्स की होती है ना तो उसमें हम भैया अपना थोड़ा कहानियां मार सकते हैं तो देखना अभी आरव के पापा आएंगे कमरे में जब मैं क्रीम लगा रही थी ना तब आए थे देखने के लिए कि क्या कर रही है अभी नाश्ता देगी क्या अभी ये लगी हुई है उसमें तो फिर कुछ नहीं मेकअप देख रही थी मैं थोड़ा सा नज़दीक से आ, बेस वगैरह तो सही लग रहा था कुछ भी नहीं शूट किया यार मैंने मेकअप लुक किया और मीशो का बस एक इंट्रो किया इंट्रो एंड किया वीडियो का शूट एंड इंस्टा रील बनाई बस उसके बाद उतारने लगी मैं मेकअप मैंने बीच में कोई वीडियो शूट ही नहीं की टाइम नहीं था ना मैंने बोला ना कि मुझे नाश्ता रेडी करना था उसके बाद थोड़ा सा मैं थक भी गई थी मुझे नींद भी आ रही थी तो बस मैं यहाँ पे अपने बालों को टाई कर रही हूँ मेकअप लुक अच्छा लगा था बट एट देंड ना मैंने कुछ किया मैं वो लैशेज थोड़े से मेरी निकल रही थी एंड uh, देख लो इतनी नींद में कोई फेस वॉश उठा लिया <laughs> कपड़े बदल लिए मैंने अब मैंने यहाँ पे गुड वाइब्स का ऑलिव क्लेंजिंग आ, मिल्क निकाला है मेकअप रिमूवर है ये बहुत सही वाला मेकअप रिमूवर है यार गुड वाइब्स का अगर आप लोग नहीं ट्राई ना ट्राई करो अब आप लोग बोलोगे हर वीडियो में सेम प्रोडक्ट क्यों यूज़ करती है ये मुझे सूट करता है पता है क्या होता है मैंने इतना हैवी मेकअप किया होता ना मेरी स्किन थोड़ी सी ना कई बार जैसे ऐसे लगता है ना जैसे उसको मैं अच्छी तरह से नरिशमेंट देना चाहती हूँ साथ साथ में मेकअप को भी रिमूव करूँ तो इसको मैं ज्यादा सारा लेके ना मसाज कर लेती हूँ तो अच्छी तरह से मेकअप मेरा एकदम ब्रेक डाउन हो जाता है मेकअप तो बहुत आराम से वन स्वाइप में निकल जाता है मस्कारा देख रहा अब कैसे निकल रहा है इसके साथ बाहर हाँ आपको एक मिनट के लिए इसके साथ मसाज करना है हाय रब्बा कितनी मेहनत से मेकअप किया था मैंने दो तीन घंटे लगा के और एक सेकंड में पच पच, 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 पच करके उतार दो मतलब एक सेकंड में लगाओ और करके उतार दो जितने भी प्रोडक्ट्स आपको मैं दिखाऊंगी ना तो सबके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गुड वाइब्स के ऊपर ऑफर चल रहा है इनके टोनर्स के ऊपर सीरम्स के ऊपर या फिर क्रीम्स के ऊपर फेशियल ऑयल्स के ऊपर स्क्रब के ऊपर फेस वॉशेस के ऊपर सब के डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप जाके चेकआउट कर लेना गुड वाइब्स का मैं यहाँ पे ऑरेंज ब्लॉसम फेस वॉश यूज कर रही हूँ माइल्ड सा फेस वॉश है तो बस यहाँ पे मैं अपना फेस को थोड़ा सा क्लीन करूंगी मेकअप तो अच्छी तरह से रिमूव कर लिया था पानी के साथ धो आई थी मैं अपने फेस को अब यहाँ पे फेस वॉश करूंगी और मेरे को ना चाय पीने का बड़ा मन कर रहा था तो बस मैं यहाँ पे चाय भी पीऊंगी बाद में वो उसका रिकॉर्डिंग नहीं की थी मैंने क्योंकि आई इस लाइक कि बस करो फ़ोन बंद करो क्योंकि यार के पापा को नाश्ता देना तो वो एकदम तैयार हो गए थे नहा धो के भाई बंदे ने इतनी फुर्ती मारी थी मैं अभी तक मुँह ही धोती रह गई थी मैंने मुँह धो के क्रीम क्रूम लगाई तो वीवेज़ लाइक कि नाश्ता हो ओ, मतलब मैंने बोला बोले हाँ, दे तू पाँच मिनट में दे देती पाँच मिनट दे हूँ फटाफट से मुँह देखो कि अभी मेरे एकदम इतनी हड़बड़ में हूँ ना मैं गुड वाइफ प्लस का ये ग्रीन एप्पल और सेनमन वाला ये मैं टोनर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ टोनर जरूर लगाया कर इससे आपके जितने पोर्स होते हैं मिनिमाइज होते हैं स्किन हाइड्रेटेड रहती है और एक अलग सा ही आपके फेस के ऊपर ना मतलब अच्छी लगेगी आपकी स्किन हमेशा आप देखोगे ग्लो रहेगा स्किन के ऊपर नहीं लगाओगे ना टोनर वगैरह तो बड़ी डिहाइड्रेटेड सी रूखी सूखी सी स्किन लगती है मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट है रोज हिप सीरम आप सबको बताया दो ढाई साल से मैं यही सारे गिनती जुनती के मेरे प्रोडक्ट्स होते हैं जो मैं यूज़ करते हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं ये तो मैंने अपने मम्मा को भी भेजा मम्मा भी इसको रेगुलर यूज करते हैं आप लोगों ने देखा शायद मैंने अभी कुछ दिन पहले डाला ना लिपस्टिक हॉल अभी डाले एक दो दिन पहले तो उसमें मैंने वो दिखा देख लो आरोप के पापा आके पूछ रहे हैं नाश्ते के बारे में देख रहे मैं उनको देख के कुछ बोल रही थी ये गुड वाइब्स की ये ग्रेप सीड प्लस ऑरेंज वाली नाइट क्रीम है उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस के ऊपर देखो यहाँ पे खड़े हैं पूछ रहे हैं मेरे से अभी भी कुछ कि कब तक नाश्ता रेडी होगा तो मैं उनको कह रही थी बस हो गया मेरा काम हो गया बस अब क्रीम लगा रही हूँ उसके बाद मैं आपको नाश्ता देती हूँ तो कह रहे थे ब्रेड ही दे दे फटाफट तो मैं कह रही थी ब्रेड नहीं दूंगी सब्जी है रात की तो फटाफट से फुलके बना दूंगी <laughs> उनको क्योंकि सब्जी के साथ फुलका खाना अच्छा लगता है सुबह तो बस यही यार हमारी पर्सनल कन्वर्सेशन हो रही थी आई एम डन विथ माई मेक सॉरी अनरे रेडी वीडियो बोलते अपने नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय वे लव यू सारे प्रोडक्ट्स के परचेज लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाय बाय